हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स. बेटे आज बेटा मैं आपका, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 13 क्वांटिटेटिव में है, आज बेटा मैं आपका कॉमन फेलियर ऑफ इंडियन पाकिस्तान करवाने जा रही हूँ. पहले हमने कॉमन सक्सेस स्टोरी पढ़ी थी इंडियन पाकिस्तान की, अब बेटा हम कॉमन फेलियर स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे इंडियन पाकिस्तान फेल हो गए. तो देखो बेटा इसमें क्या है, द रिलेटिवली इनवार्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड हाई प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिड नॉट अलाउ इंडियन पाकिस्तान टू टेक टाइमली एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अगर इंडियन पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने फ़ायदा लेना है, ग्लोबलाइजेशन करना है, तो उन्हें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को वो कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती फॉरेन ट्रेड से. द माइंड सेट ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स हैज़ नॉट शोन अ प्रोग्रेसिव चेंज. जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका कभी भी ये माइंड है नहीं कि हमें अपनी कंट्री की जो है सक्सेस करनी चाहिए. कंट्रोल कॉन्टिन्यू टू देयर प्रेफर्ड ऑप्शन रैदर दैन फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. तो वो कभी नहीं चाहते कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स अपनी चॉइस, अपनी फ्रीडम से काम कर पाएँ. ठीक है, वो उनके ऊपर लगातार कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं पॉलिटिशियंस. प्राइवेट सेक्टर हैज़ थ्रीव्ड मोर ऑन कॉन्ट्रैक्ट ब्राइब्स लोन्स फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जो प्राइवेट सेक्टर है उसने भर भर के लोन ले रखे हैं गवर्नमेंट से, तो वो क्या फ़ायदा करेंगे हमारी कंट्री का, वो तो खुद ही लोन में डूबे बैठे हैं और टैक्स नहीं देते वो गवर्नमेंट को. फिस्कल मैनेजमेंट इज़ ग्रोसली डिसअपॉइंटेड. जो गवर्नमेंट है वो तो खुद एक लाचार महसूस कर रही है, उस वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई. हायर फिस्कल डेफिसिट एडवांटेज एवरेजिंग 7-8% ऑफ GDP. यानी कि अगर फिस्कल डेफिसिट यानी कि बजट में अगर कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो GDP को 7-8% पीछे ले जाती है, जिसमें हम बहुत साल पीछे चले जाते हैं. ठीक है, ओइंग टू ह्यूज बोरिंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी बहुत भर भर के उतार ले लेती है, तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो फेल हो जाता है एक मन चाहे स्तर पर पहुंचने के लिए. लार्ज पोर्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू इज़ स्पेंट टू मीट डिफेंस एक्सपेंडिचर. अब जब गवर्नमेंट को टैक्स की रेवेन्यू होती भी है तो गवर्नमेंट उससे क्या करती है, जो होता है अपना टैक्स लेके उससे जो चीज़ें होती हैं वो खरीदने लग जाती है, डिफेंस की चीज़ें. डेफिसिट अर्बन सर्विसेज आर अ बिग हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो शहर के इलाके हैं वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत कम है, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट टाइप. द पॉलिटिशियंस आर येट टू प्रोवाइड अ सिंसियर एंड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फोकसिंग ऑन सोशल वेलफेयर. यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अभी भी सिंसियर हैं एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाले हैं. ठीक है, अ वाइड लैग बिटवीन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ऑन द वन हैंड एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑन द अदर. अब देखो बेटा आगे क्या है, अ वाइड लैग बिटवीन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ऑन द वन हैंड एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑन द अदर. इसमें क्या है, पॉलिसीज चलाता कोई हो रहा है, उनमें इम्प्लीमेंट कोई और करता है. ठीक है ना, तो ये एक बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है. एरिया वेयर इंडिया हैज़ एन एज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि एरिया इंडिया का वो एरिया जिसमें पाकिस्तान का है हिस्सा. अब देखो आगे है, इन द एरिया ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इंडिया इज बेटर प्लेस इन पाकिस्तान. मतलब पाकिस्तान से कहाँ पे बेहतर है इंडिया. ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया में मैन पावर में या रिसर्च के काम में इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है. अब देखो, इंडिया हैज़ शोन अ रिमार्केबल ब्रेक थ्रू इन द एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 की पॉलिसीज़ के बाद इंडिया ने काफ़ी आगे तक गया, इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी आगे तक गई जबकि पाकिस्तान पीछे रह गया. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ मच मोर सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ देन इन पाकिस्तान. जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थी इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा जो है इमर्ज साबित हुई, मोर सिग्निफिकेंट ग्रोथ के तौर पे साबित हुई पाकिस्तान से. इंडियन साइंटिस्ट जो थे एक्सल इन एरिया ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो डिफेंस के मामले में काफ़ी अच्छे गए, स्पेस रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक, इन चीज़ों में काफ़ी बेहतर गए इंडिया के साइंटिस्ट, जबकि पाकिस्तान इसमें काफ़ी पीछे रह गया. द नंबर ऑफ PhDs प्रोड्यूस्ड बाई इंडिया इज साइंस एंड इंजीनियरिंग. इंजीनियर और साइंस के मामले में PhD करने वालों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जबकि पाकिस्तान इसमें पीछे है. तब देखो, इंडिया आल्सो हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. एजुकेशन के ऊपर भी अगर हम पाकिस्तान से देखें तो काफ़ी अच्छे और बेहतरीन जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ठीक है ना, द एडल्ट लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो इन ऑल एजुकेशन इंडेक्स हैव ट्रेंडेड अप इन फास्टर इन इंडिया देन इन पाकिस्तान. ओइंग टू रैपिड डिक्लाइन इन फर्टेलिटी रेट, भ्रूण हत्या कम हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 1.76% तक सिमट गई है, वाइल इन पाकिस्तान में ये लगातार बढ़ रही है और 2.5% पर एनम है.
इशू ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ इन जनरल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चों के मरने की दर है या फिर हेल्थ को लेके जो फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा बेहतर हैं पाकिस्तान में इंडिया से। एरिया वेयर पाकिस्तान हैज़ एन एज ओवर इंडिया, अब वो इलाके जहाँ पे एरिया पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है इंडिया से, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेम लेवल एज इंडिया, इंडिया से ही स्टार्ट करा था पाकिस्तान में, जहाँ से इंडिया ने स्टार्ट करी थी ग्रो करनी वैसे ही पाकिस्तान से स्टार्ट करी थी। पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड बेटर रिजल्ट विद रिगार्ड टू माइग्रेशन ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, ठीक है ना। देखो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री तक जाने में पाकिस्तान में काफ़ी एफर्ट करा बाय रिड्यूसिंग BPL यानी कि बिलो पावर्टी लाइन जो थी पॉपुलेशन टू 29.5% से कम करके 21.9% तक ले आया पाकिस्तान, जो भी एक बेहतर था, ठीक है ना। पाकिस्तान ग्रोथ स्ट्रेटजी हैज़ बेटर ह्यूमन फेस दैट देन ऑफ इंडिया, और इंडिया से ज़्यादा बेहतर थी इंडिया पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ह्यूमन कैपिटल को लेकर। एक्सटर्नल ट्रेड has expanded much faster in Pakistan than India, जो ट्रेड था वो पाकिस्तान में ज़्यादा फैल रहा था इंडिया के मुकाबले में। द ट्रेड GDP रेशियो इन पाकिस्तान इज ट्वाइस दैट ऑफ इंडिया, GDP रेशियो जो थी पाकिस्तान में पहले शुरू शुरू में वो ज़्यादा थी पाकिस्तान की इंडिया से। तो आगे देखो, इवन वेन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बेशक रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम था लेकिन जो एफिशिएंसी थी इन्वेस्टमेंट थी वो हाई तो पाकिस्तान में ही थी, इंडिया में नहीं, ठीक है ना। पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड बेटर रिजल्ट एज रिगार्ड एक्सेस टू इम्प्रूवमेंट वाटर रिसोर्सेज, यानी कि पाकिस्तान जो था उसने काफ़ी हद तक जो था ना सक्सेस हासिल करी थी अपने वाटर रिसोर्सेज को साफ रखने में, ठीक है ना। अब देखो बेटा, उसके बाद मैं आपको करा रही हूँ चाइना एज ओवर इंडिया की, जो चाइना है वो कैसे बेहतर निकला इंडिया से। द चाइनीज रिफॉर्म प्रोसेस बिगिन मोर कॉम्प्रिहेंसिवली ड्यूरिंग 1980 के बाद इंडिया की जो नीतियाँ थी, चाइना की जो नीतियाँ थी वो काफ़ी अच्छी थी व्हेन इंडिया वॉज इन द मिड स्ट्रीम ऑफ स्लो ग्रोथ वर्सेस, जबकि इंडिया काफ़ी पीछे चल रहा था ग्रोथ के मामले में। इवन वैन द रिफॉर्म प्रोसेस वॉज एक्टिवली प्रश्योर्ड इन 1990s, इंडिया फोकस्ड मोर ऑन GDP ग्रोथ, इवन कि जब जो पॉलिसीज थी 1991 में इंडिया में आई थी वो काफ़ी लेट थी 1980 के मुकाबले में, लेकिन फिर भी चाइना ने इन पॉलिसीज के बावजूद भी इंडिया का पीछे कर दिया। तो आगे देखो, विद रूरल पावर्टी इन चाइना डिक्लाइंड बाय 85% ड्यूरिंग द 1978 टू 1989, यानी कि रूरल पावर्टी जो थी चाइना में वो 85% तक कम हो चुकी थी, जबकि इंडिया में सिर्फ 50% तक ही ये कम हो पाई थी। रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द चाइनीज एग्रीकल्चर वेंट अलोंग वे, जो इंडिया चाइना की एग्रीकल्चर थी वो रिकन्स्ट्रक्शन वाली या कुछ भी रिकन्स्ट्रक्शन का काम था उसको मतलब एक अच्छे लेवल से स्टार्ट करा गया था। इट एवोलिश्ड कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग इंस्टेड हाउस होल्ड ओवर एलोटेड लैंड फॉर इंडिविजुअल कल्टीवेशन थ्रू ऑनरशिप और लैंड रिमेड विद द स्टेट, यानी कि सरकार के हाथ इनकी जो थी ना ऑनरशिप रहती थी ज़मीनों की और उनके ऊपर फार्मर्स काम किया करते थे और गवर्नमेंट उनको पैसा दिया करती थी। दिस ब्रॉट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर, और इसने चाइना कि एग्रीकल्चर में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखो, आल्सो ग्लोबल एक्सपोजर ऑफ इंडिया हैज बीन अ फार मोर वाइडर इन चाइना देन इन इंडिया, और आगे देखो और भी कुछ चीज़ों में हमें बदलाव देखने को मिला। दस चाइना अलाउड फॉरेन इन्वेस्टर्स 100% इक्विटी इन इन्वेस्टमेंट, चाइना ने अलाउ कर दिया इन्वेस्टर्स को आप 100% इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आके कर सकते हो। तो आगे देखो, इट अलाउड द फॉरेन इन्वेस्टर्स द फ्रीडम टू हायर एंड फायर, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको फ्रीडम दे दी कि आप हायर भी कर सकते हो और फायर भी कर सकते हो। हायर एंड फायर का मीनिंग क्या है कि आप चीज़ों को खुद चूज़ कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो द वर्कर्स। तो आगे देखो, मेरा बाय एस्टेब्लिशिंग सेज इट ऑफर्ड, यानी कि एक पॉलिसी का नाम है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है ना, उससे रिलेटेड पॉलिसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया चाइना में। चाइना हैज़ अ लिबरल इन अलाउइंग FDI इन रिटेल, और चाइना इस मामले में एक बेहतरीन कंट्री साबित हुआ FDI के मामले में, लेकिन इंडिया में ये चीज़ें बिल्कुल उल्ट थी चाइना की, तो इसलिए हमारा इंडिया जो था वो ग्रोथ रेट में काफ़ी पीछे रह गया और चाइना काफ़ी आगे निकल गया। तो ठीक है बेटा, इसके साथ ही मैंने आपका ये चैप्टर डन कर दिया है, नेक्स्ट क्लास में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।